हेलो फ्रेंड्स तो लॉडा में वापस से आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेकर द हॉन्टेड ट्री ऑफ मंगला जोड़ी आई होप आप में से कई लोगों ने मंगला जोड़ी का नाम जरूर सुना होगा ये उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है बेसिकली एक बर्ड सेंचुरी है और यहाँ पर एक ट्री है जिसे हॉन्टेड माना जाता है ये जो न्यूज़ थी ये जी न्यूज़ ने भी कवर की थी उसका एक आर्टिकल आपको गूगल के ऊपर भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो, तो मंगला जोड़ी में जो ट्री था इस ट्री के बारे में चीज़ें कब तब फैलना शुरू हुई जब लोग कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए कुछ लोग जब रात के टाइम ट्री के आसपास से जा रहे थे तो उन्हें एक इविल स्प्लिट दिखाई दिया घूस दिखाई दिया जो इनको डरा दिया था तब से गांव के अंदर खबर फैल गई कि उस पेड़ के अंदर एक ट्री रहता है जो भी लोग रात के टाइम्स ट्री के आसपास से गुजरते या उस ट्री को टच कर लेते कुछ ही दिनों में उनकी डेथ हो जाती एक दिन एक लड़की के अंदर वो बुरी आत्मा आ गई और उसने लोगों को बताया कि वो यहाँ से 21 लोगों की जान लेगी तब तक वो इसी पेड़ के अंदर रहेगी और इन्हीं सीरीज़ के अंदर करीबन सात से आठ लोगों ने जो भी उस इस पोजीशन से पहले सात से आठ लोग अपनी जान गंवा चुके थे तो पूरे गांव में दहशत फैल फैल चुकी थी कोई भी शाम होने के बाद उस ट्री के रास्ते की तरफ नहीं जाता था जो भी छोटे बच्चे या, या यंग लोग थे उन सब लोगों को हिदायत दे दी गई थी कि रात के शाम के छः बजे बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और पूरे गाँव में दहशत थी कि इस पेड़ के अंदर एक बुरी आत्मा रहती है और कोई भी इस पेड़ के आसपास नहीं जाएगा ये जो स्टोरी है जो आज हम सुनने वाले हैं ये हमारे साथ शेयर की है आयुष ने और ये स्टोरी इसी लोकेशन के ऊपर बेस्ड है इसी इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है ये वो आयुष नहीं है जिन्होंने जे एडवांस वाली स्टोरी शेयर की थी ये दूसरे आयुष हैं अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है कोई रियल एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं एट प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री ट्वेंटी टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने स्टोरी शेयर की हुई है और उनमें से कुछ स्टोरीज हैं जो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा और एक्चुअली लिस्ट जो है वो लंबी होती जाती है तो कुछ स्टोरीज़ को सिलेक्ट करना है ना कुछ लोग स्टोरीज़ भेजते हैं तो जो लोग शेयर करते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं मैं समझ सकता हूँ उनके लिए बहुत ज़्यादा हॉरर होता है लेकिन हर कोई उनको उतने इंटरेस्ट से सुन पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है इसलिए कुछ स्टोरीज़ को मुझे ड्रॉप करना पड़ता है जो मुझे लगता है कि बहुत छोटे इंसिडेंट हैं या फिर एज सच व्यूअर्स को या फिर ऑडियंस को उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा तो मैं स्टोरीज़ को शेयर नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो आप प्लीज इस चीज़ को अदरवाइज ना लें हां अगर आपको लगता है पास बहुत ही स्पूकी स्टोरी है बहुत ही स्केरी स्टोरी है बहुत ही सस्पेंसफुल स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं प्रिंस ऑफ केमिस्ट्री ट्वेंटी टू एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर या फिर आप मेरे इंस्टा आई डी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं विच इज प्रिंस एवन आइटी वन नाइन एट सेवन तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अभिषेक अभिषेक जो कि गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और तीन साल से वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था अभिषेक एक गरीब परिवार का लड़का था और अपने परिवार को ऊपर ले जाने के लिए अपस्केल करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था फाइनली मेहनत उसकी रंग लेकर आई और उसका जो उनका स्टेट सिविल सर्विस कमीशन होता है उसके अंदर सिलेक्शन हुआ और बहुत ही अच्छे मार्क्स से वो पास हुआ दो साल की ट्रेनिंग के बाद उसको खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएसपी की पोस्ट असाइन हुई और अभिषेक अब एक पुलिस डिपार्टमेंट की अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका था एक गरीब घर का लड़का जिसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी अब वो बहुत मूल्यवान हो चुका था बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू क्रिएट हो गई थी पूरे गांव में उसका भूलवाला था माँ बाप का सर फखर से ऊंचा हो चुका था और जैसे अभिषेक को पोस्टिंग मिली नेक्स्ट टू थ्री डेज़ के अंदर उसको ज्वाइन करना था सिक्सटीन अगस्त की उसकी ज्वाइनिंग थी और वो अपने गाँव से फोर्टीन अगस्त को अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर बाहर निकला ट्रेन में सफर उसकी ट्रेन में सीट बुक थी पहली बार वो फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल कर रहा था उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जहाँ पहले उसके पास ये आप मान सकते हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं थी कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिससे वो इन चीज़ों को मतलब यूज़ कर पाए आज तो जनरल ट्रेन में ही धक्के खाया करता था लेकिन आज वो फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रहा है जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पे रुका वहाँ पर पूरा एक पुलिस का जो लवाजमा होता है कॉन्स्टेबल्स हो गए है ना जो वहाँ के इंस्पेक्टर हो गए स्टेशन मास्टर हो गए वो सभी उसका स्वागत करने के लिए रुके हुए थे जैसे ट्रेन रुकती है सब उतरते उसका स्वागत होता है उसको लेने के लिए स्पेशली उसको अलॉटेड स्कॉर्पियो कार आई हुई थी तो जो कॉन्स्टेबल्स थे उन्होंने उसका सामान उठाकर लगेज को रखा और वहाँ पर उसे एक बैंगलो अलॉट हुआ था बेसिकली एक टू बी के टाइप बंगला था जो उसको अलॉट हुआ था तो अभिषेक को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उसकी मेहनत की वजह से आज उसकी किस्मत यूँ की यूँ पलट गई नॉट किस्मत उसकी है ना जो डेस्टनी थी वो यूँ क्यों पलट गई थी और वो इन चीज़ों से बहुत खुश था ये सारी चीज़ें उसने अपने माँ बाप के साथ भी शेयर की हर एक चीज को बताई कैसा उसका बैगलो है कैसे यहाँ पे लोग हैं और इस तरह से उसका काम चलने लगा चार महीने उसकी पोस्टिंग को गुजर गए और अभिषेक का उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस पूरे एरिया के अंदर बहुत अच्छा खासा नाम था तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिस था और ना ब्राइबिंग है ना और केसेस को सॉल्व करना उसकी हॉबी थी मतलब उसको बड़ा मज़ा आता था इन चीज़ों के साथ डील करने के अंदर तो ऐसे ही एक दिन की बात है वो अपनी गाड़ी में उस एरिया का राउंड मारने निकला तो वहाँ पर एक नेशनल हाईवे था तो वह जैसे उस नेशनल हाईवे की तरफ से गुजर रहे थे तो अभिषेक की नज़र वहाँ पे बंद पड़े रेस्टोरेंट्स ढाबे है ना दुकानों पे पड़ी लोकल दुकानों के ऊपर तो उसने अपने कॉन्स्टेबल से पूछा अरे राव ये सारे रेस्टोरेंट दुकानें बंद क्यों हैं ये तो हाईवे है तो बोलता है साहब यहाँ पर जितने भी लोग जिनका रेस्टोरेंट था दुकानें थी वो सब काम करने के लिए पैसा कमाने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए तो अभिषेक ने बोला ऐसा क्यों इनके ढाबे तो यहाँ भी चल सकते हैं ये भी तो एक हाईवे ही है तो राव ने कहा सर पहले यहाँ से बहुत गाड़ियाँ आ जाया करती थी दिन रात ये हाईवे चला करता था लेकिन यहाँ से जाने वाले कुछ जो बेसिकली टूरिस्ट थे या सवारियाँ थी उन्होंने रात को रात के टाइम जब वो हाईवे से गुजरते हैं आगे से तो एक पीपल का पेड़ आता है उस पीपल के पेड़ के ऊपर उन्होंने एक औरत के भूत को लटकता हुआ देखा है और कई बार कुछ गाड़ियों का उस पेड़ के आसपास एक्सीडेंट भी हो गया है और तब से इस पूरे गाँव और आसपास गांव में खबर फैली हुई है कि हाईवे का ये वाला जो पार्ट है ये हॉन्टेड है और फिर यहां से गाड़ियों का आनाना धीरे धीरे बंद हो गया पहले हाईवे बहुत बिजी था इनकी दुकानें अच्छी चला करती थी लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों का दबाव कम हुआ इन लोगों को ढाबा चलाने में अपने रेस्टोरेंट दुकानें चलाने में बहुत मतलब मुश्किल आने लगी और इस वजह से इन लोगों ने क्या किया अपना ढाबा और दुकानें सब बंद करके ये लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं राहुल बोला क्या बोलूँ साहब गांव के इस एनएच के रास्ते में पड़ने वाले गांव के कुछ आदिवासियों ने भी उस औरत के भूत को पेड़ से लटके हुए देखा है कई बार कुछ लोग जो रास्ते में पैदल चलते हुए गांव के उस रास्ते मतलब जंगल के उस रास्ते से जाते थे उनकी लाशें एन के पास में पड़ी हुई मिली है उस भूत का उस आत्मा का सारे गाँव में इस एन के आस के दस किलोमीटर गाँव में इतना खौफ है कि सब लोग अपने घर छोड़ के वहाँ से भाग गए हैं और अब इस पूरे दस किलोमीटर के एरिया में कोई भी नहीं रहता है गवर्नमेंट ने लोगों के मन से डर को भगाने के लिए पूरे एन हाईवे आई वे पर एल लाइट्स भी लगाई हैं लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने उस आत्मा को वहाँ पर देखा है और तब से यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया ऑलमोस्ट दिन के टाइम ही लोग यहाँ से गुजरते हैं रात के टाइम यहाँ से गुजरने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है अभिषेक बोलता है है मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता ज़रूर कोई है जो ये कहानी बना रहा है लोगों को डराने के लिए तो राव बोलता है हाँ साहब मुझे भी ऐसा ही लगता है लेकिन क्या करें डर तो सभी को लगता है पर वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है अभिषेक ने कहा ठीक है तुम चलो तो अभिषेक अपने घर पहुँचा रात को डिनर करते टाइम वो वही सोच रहा था कि जो भी कोई है इसने गाँव वालों के साथ अच्छा नहीं किया है और मैं इसका पर्दाफाश करके ज़रूर रहूँगा अगले दिन वो ऑफिस पहुँचता है और सीधा एस सर से मिलता है और उनसे बोलता है कि सर ये जो मंगला जोड़ी वाला पेड़ है इसकी क्या कहानी है ये केस मैं हैंडल करना चाहता हूँ एस सर बोलते हैं देखो अभिषेक तुम यहाँ पर अभी नए शिफ्ट हुए हो और तुम यहाँ के बारे में ज्यादा चीज़ें नहीं जानते हो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं चाहता हूँ मैं जानता हूं कि तुम गाँव वालों के ऊपर बहुत ध्यान देते हो उनकी बहुत केयर करते हो लेकिन मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को जाते हुए देख चुका हूँ ठीक है और मैं ये केस तुमको नहीं दे सकता इस केस को मैं टच भी नहीं करना है तुम अपना यहाँ पे काम करो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भूल जाओ तो अभिषेक बोलता सर आप भी तुम्हें विश्वास करते हैं तो बोलता है एस पी सर बोलते हैं देखो अभिषेक ये जो चीज़ है ये हमारी सोच से परे है हमारी समझ से परे है और जो चीज़ें हमारी समझ से परे हो उनसे दूर रहना ही ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये केस नहीं सौंप सकता हूँ लेकिन सर दैट्स ऑल यू कैन गो नाउ क्या आपको लगता है अभिषेक इतनी आसानी से इस केस को छोड़ने वाला था उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी ये कहानी जो लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई थी रात के वक्त उसने खाना खाया चाय पी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट अंदर पहनी और उसके बाद वो अपने कांस्टेबल शामू के पास गया बोला शामू अपनी बाइक की चाबी देना तो शामू पूछता है साहब इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं मैं वो एन की तरफ जा रहा हूँ ये जो लोगों ने कहानी फैलाई हुई है आज मैं उसका पर्दाफाश कर करूँगा लेकिन साहब आप वहाँ अकेले क्यों जा रहे हैं आप अपने साथ कुछ कांस्टेबल लेके जाओ आपको पता है ना बहुत खतरनाक जगह है तो बोलता है हाँ शामू मुझे पता है लेकिन मैं अपनी वजह से किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं अकेला ही वहाँ पर जाऊँगा और देख के आऊँगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या है शामू क्या कर सकता था मैंने डी की बात को कैसे मना कर सकता है तो उसने अपनी चाबी अपनी बुलेट की चाबी और सर को दे दी और उसके बाद अभिषेक ने अपना हेलमेट पहना और वो बाइक लेकर निकल पड़ा वो हाईवे के ऊपर चल रहा था चलते चलते रास्ते में उसे एक पीसीआर वैन मिली जो बेसिकली उस एन हाईवे से थोड़ा सा मतलब जो एरिया था उससे थोड़ा सा पहले ही थी उन्होंने उसको रोका रोका देखा रही तो डी एस पी साहब बोला साहब आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मुझे आगे एन हाईवे हाई पे जाना है तो सारे कॉन्स्टेबल के बोले सब ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है आप यहाँ पे मत जाइए तो बोलता मुझे पता है और मैं इसी को इन्वेस्टिगेट करने वहाँ पे जा रहा हूँ जी साहब जी साहब उन्होंने बैरिकेड खोला अभिषेक ने बाइक ली और आगे निकल पड़ा तो दिसंबर के आसपास का टाइम था हाईवे के ऊपर थोड़ा कोहरा छाया हुआ था तो जहाँ से जंगल स्टार्ट होने वाला था उससे पहले अभिषेक ने अपनी बाइक रोकी एक लंबी गहरी सांस ली सामने जंगल की तरफ देखा तो जो एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी वहाँ पर उनकी वजह से हाईवे के ऊपर रोशनी हो रही थी लेकिन कोहरे की वजह से वो रोशनी थोड़ी सी दब गई थी लेकिन सड़क ठीक ठाक उसको दिखाई दे रही थी अभिषेक ने अपने मन में कुछ सोचा अपनी बाइक को स्टार्ट किया और जंगल की तरफ बढ़ चला रास्ता पूरा कोहरे से ढका हुआ था लेकिन फिर भी उसे जो रोशनी थी लाइट्स की उसमें ठीक ठाक चीज़ें दिख रही थी लेकिन हेलमेट की वजह से और कोहरे की वजह से देखने में बहुत परेशानी होती थी थोड़ा आगे जाकर उसने अपनी बाइक को रोका हेलमेट को उतार के अपनी गोद में रखा और वापस से बाइक को स्टार्ट किया वो उस अंधेरे रास्ते में बाइक को चलाया जा रहा था और चारों तरफ निगरानी रख रहा था कि उसे कुछ दिखाई दे सड़क के इधर भी सड़क के उधर भी पेड़ों पर भी लेकिन कहीं कुछ नहीं था वो मन ही मन सोच रहा था कि लोग कुछ भी सोचते हैं है ना कोई भी कोई कहानी फैला जाता है कोई ना कोई ज़रूर ऐसा है जो लोगों को डराए में लगा हुआ है चलते चलते सामने उसे वो पेड़ भी दिखाई दिया जिसके बारे में लोग कहा करते थे जहाँ पर वो आत्मा रहती है ऑल्दो उसको पेड़ बहुत क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि फॉग बहुत था लेकिन उसको अपनी मंजिल दिख गई थी जिस जगह को उसको इन्वेस्टिगेट करना था वो अपनी बाइक लेकर उसी पेड़ के ऊपर उसकी नज़रें थी और उसकी तरफ जाया जा रहा था उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन जैसे ही उसकी पेड़ से कुछ डिस्टेंस डेढ़ सौ दो सौ मीटर रही अभिषेक को ऐसा लगा कि उस पेड़ पर कुछ है उसने तो बाइक की स्पीड बढ़ाई और जैसे वो पेड़ के आसपा, आसपास पास पहुंच रहा था उसको दिखाई दिया कि कुछ वाइट कलर की सी चीज़ है जो पेड़ के ऊपर से लहरा रही है उसने करीबन साठ सत्तर मीटर दूर बाइक को रोका अपने रिवॉल्वर निकाली और पेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे वो पेड़ के पास आता था उसको एक वाइट शिप का फिगर ऐसे हवा में लहराता हुआ दिख रहा था उसके मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए थे कहीं जो लोग कह रहे हैं सस्तु तो नहीं है लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला था वो उठान के आया था कि आज वो इस राज से पर्दाफाश जरूर करेगा वो धीरे, धीरे 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 पेड़ की तरफ बढ़ता जा रहा था और जब वो पेड़ के बहुत पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक वाइट कलर की शॉल एक डाल पर लटकी हुई थी और वो इस तरह से लहरा रही थी इस शॉल को देख के लोग डर जाते हैं लेकिन ये शॉल यहाँ पे रात को आई कैसे हो सकता है उड़ के कहीं से पहुँच गई हो अभिषेक ने पेड़ के चारों तरफ देखा कुछ नहीं था जैसा लोगों ने कहा उस पेड़ को टच करने से कुछ होता उसने उस पेड़ को टच करके भी देखा कि कहीं कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ हो जिस पेड़ पर पे लगी हुई हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था खैर अभिषेक ने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लिया था वो घुमा और अपने आप से ही बात करते हुए हंसते हुए चलने लगा <laughs> बताओ लोग एक शॉल से डर गए इस शॉल की वजह से पूरे के पूरे गांव छोड़ के लोग चले गए गांव के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है ये लोग किसी भी छोटी छोटी बात के ऊपर भरोसा कर लेते हैं खैर चलो कल मैं पूरी फोर्स लेकर आऊँगा और सबको दिखाऊँगा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है वो वापस अपनी बाइक की तरफ चलने लगा बाइक पर बैठा बाइक स्टार्ट की एक बार फिर से उसने घूमकर उस पेड़ की तरफ देखा और अपनी बाइक को स्टार्ट करके चलने लगा जैसे वो उसने बाइक स्टार्ट करके चलने लगा उससे बड़ा अजीब सा फील होने लगा एक अलग सी फीलिंग आई उसको ऐसा भी लग रहा है जैसे बाइक चल रही थी उसको लगता है बाइक बहुत हीवी हो गई है जैसे बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है और कोई था नहीं वो अकेला ही था और बाइक को बैलेंस करने में थोड़ी उसको मुश्किल हो रही थी जितनी स्मूथली वो बाइक चला के ला रहा था बाइक अब उतनी स्मूथली चल नहीं रही थी उसने देखा तो साइड मिररर के ऊपर फॉग जमा हुआ था तो उसने एक हाथ से बाइक को संभाला और एक हाथ से उसे फॉग मिरर को साफ किया साफ करके जैसे कि उन्होंने दोबारा से मिरर पर पड़ी अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई उसकी बाइक की बैक सीट पर उसे उस मिरर में औरत दिखाई दी जो कि उसी वाइट शॉल को ओढ़कर बैठी बैठी हुई थी और जैसे अभिषेक की नजर उसकी नजर से टकाई औरत ने एक मन से मुस्कान अभिषेक की तरफ पास की और इतना करते ही अभिषेक की बाइक का बैलेंस बिगड़ा और उसकी बाइक घिसटती हुई बहुत दूर तक आगे चली गई अभिषेक ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास ब्लड फैला हुआ था वो पूरी तरह से होश में नहीं था नहीं वो उठ पा रहा था बस वो ऐसे लेटा हुआ था और उसका जो चेहरा था वो उसी पीपल के पेड़ की तरफ था ऑल दो पीपड़ का पीपल का पेड़ बहुत दूर था लेकिन उसे चीज़ें ऐसे दिखाई देती जैसे सब कुछ उसके बिल्कुल पास में बिल्कुल क्लोज है वो औरत अब भी उसी पीपल के पेड़ पर पे लटकी हुई थी और वो अभिषेक को देख रही थी उसकी आंखें अलग ही तरीके से चमक रही थी अभिषेक उनको साफ साफ देख पा रहा था अभिषेक हिलडुल नहीं पा रहा था तभी अचानक से उस पेड़ के पीछे की तरफ से जो लेडी लाइट -ले से वो एक एक करके बंद करना शुरू हुई था, तो, तो। सारी लाइट्स बंद होती गई अभिषेक उन लाइट्स को बंद होते हुए देख रहा था पहुंचते पहुंचते अभिषेक जिस जगह पर गिरा हुआ था वहां की एलईडी लाइट भी बंद हो गई लेकिन वो औरत अभी भी अभिषेक को साफ साफ दिखाई दे रही थी वो अभिषेक को देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे उसकी मुस्कुराहट में छिपा हुआ था कि आज अभिषेक का कोई नहीं बचा पाएगा उसकी आंखें एक अलग ही तरह की चमक लेकर रखी हुई थी जो अभिषेक उन आंखों देख कर बिल्कुल ऐसा हिपनाटाइस हिप्नोटाइज हो जाते हो और इस तरह से अभिषेक के आगे वाली एल लाइट्स भी बंद होने लगी अभिषेक को लगा कि आज वो शायद नहीं बच पाएगा उसने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर में जान ही नहीं थी और फिर धीरे 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 अभिषेक की आँखें बंद हुई अभिषेक की आँखें जस्ट बंद होती उससे पहले ही उसे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर अभिषेक बेहोश हो गया जब अभिषेक की आँख खुली तो वह एक हॉस्पिटल में था उसने चारों तरफ देखा उसका पहला सवाल यही पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया तो एक डॉक्टर उसके पास में आता और बोलता है कि सर आप थोड़ा तो रेस्ट करिए आप अच्छे तीन हफ्ते से कॉमा में हैं अभिषेक को समझ भी नहीं कि मैं तीन हफ़्ते से सेमा में हूँ उधर से गेट खोल के अभिषेक के माँ बाप रोते हुए भागते अभिषेक के पास आए ये खबर सुनकर एस सर भी बाहरी थे वो भी वहाँ पर अभिषेक के पास मिलने आए और अभिषेक ने उनसे सवाल पूछा कि सर मैं यहाँ कैसे आया तो उन्होंने बताया कि तुम जब रात को अपने बंगलो से निकले तो तुम्हारे कांस्टेबल शामू ने फ़ोन करके बताया कि सर अकेले एन एच हाईवे की तरफ गए हैं फिर जब बैरिकेड्स पर तुम पहुंचे तो वहाँ पर जो पुलिस वाले थे उन स्टाफ ने भी हमें ये बताया तो शामू सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचा वहाँ से पुलिस फोर्स लेकर वो वहाँ बैरिकेड पर पहुँचा उसने कन्फर्म किया कि हाँ सर अंदर गए और उसके बाद सभी लोग वहाँ पर तुम्हारे पास आए और तुम वहाँ हाईवे पर बिल्कुल लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे बेहोश तो फिर उसने सबको बताया कि उसने उस दिन क्या देखा उसने बताया कि किस तरह से उसका उस भूत से सामना हुआ किस तरह से उसने उसको देखा और वो बिल्कुल लाचार हालत में पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और अगर उस दिन ये सब लोग टाइम पर नहीं पहुँचते तो शायद आज अभिषेक नहीं बचता अभिषेक को रिकवर होने में दो महीने का टाइम टाइम लगा दो महीने बाद जाकर वो ठीक हुआ उसके बाद वो एक पंडित जी से मिला वो उसको हर रात हॉन्ट किया करती थी वो आत्मा और इसलिए आप अपने आप को जब रख के देखो जब आपका किसी ऐसी चीज़ से सामना हो और आप बिल्कुल मौत के मुंह से बाहर आ जाएं तो आप आसानी से सो नहीं सकते हो यही अभिषेक के साथ हुआ दो महीने लगे उसको उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में उसके बाद भी वो एक पंडित से मिला उन्होंने उसके ऊपर कुछ है ना धागे वागे उसको दिए लॉकेट दिया मंत्र किया सब कुछ करके कर उसको ठीक किया उसके बाद उसने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र ले लिया और दोबारा कभी उसने उड़ीसा मतलब मंगला जोड़ी की तरफ घूम भी नहीं देखा तो ये थी कहानी अभिषेक की जो कि एक ईमानदार और डेरिंग पुलिस ऑफिसर था लेकिन कई बार हम ऐसी सुपर चीज़ों से जाकर टकरा जाते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता जिनके सामने शायद हम इतनी हिम्मत रखते भी नहीं शायद हमारी कैपेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है तो ये थी कहानी आई होप आप, आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी नाउ लेट्स जंप ओवर टू द कंक्लूजन क्या इस कहानी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है लोगों ने इस कहानी को क्रिएट किया हो हो सकता है उस पेड़ में किसी तरह का वायरस हो तो जब लोग उसको टच करते थे तो वायरस उनको इन्फेक्ट कर देता था और जैसे कोविड आया उस तरह का एक अननोन वायरस रहा हो जो तीन से चार दिनों में लोगों को मार देता हो ऐसा भी तो हो सकता है हो सकता है कि अभिषेक ने जो देखा वो लोगों की कहानी का एक पार्ट हो जो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसके सामने प्ले किया हो उस गोष्ट ने उसको टच नहीं किया मारा नहीं लेकिन बस उस घोष्ट को देख वो घबरा गया उसकी बाइक स्किड हो गई और वो घिसटता हुआ जाके गिर गया ऐसा भी हो सकता है या जो भी कुछ हुआ वो सच भी हो सकता है तो आपको क्या लगता है क्या यहां पर हुआ होगा ये एक सच रहा होगा या फिर अभिषेक के सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ट्रिक किया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर अगली कहानी के साथ तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग